आपको आपके साथ एक जानकारी मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखो हमने उधर की साइड भी पता किया, दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई ना तो देखो ये देख आपको खेत दिख रहे हो ना, इससे पहले धुंध छाई भी है। तो जो लोकेशन बुग्याल की मतलब जिस टाइप के बुग्याल चाहिए उधर की साइड भी नहीं है, मतलब आप उधर कैंपिंग कर सकते हैं लेकिन उधर खेत के टाइप की है। उसके बाद हम इधर से आगे भी गए तो आगे भी हमको लोकेशन नहीं मिली। तो फिर हम रिटर्न आए दोबारा, और जहाँ पिछली बार हम जिस पहाड़ में गए थे तो आज हम वहीं दोबारा कैंप मतलब जाएंगे और कैंपिंग करेंगे। पिछली बार हमने वहाँ कैंपिंग नहीं की थी, आज हम वहाँ पर डे कैंपिंग करेंगे। तो भाई अब जाना ऊपर ही हमको, क्योंकि लोकेशन नहीं आई कि अल्टीमेट है। तो ये कहाँ पड़ती है मैं आपको एक बार फिर से ये जगह बता दूँ भाई। ये आप देखो उधर है बल्ली गाँव, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आगे जाकर बताता हूँ। देखो उधर बल्ली गाँव है, वो दिख रहे होंगे आपको गाँव, वो पूरा बल्ली गाँव है। बल्ली गाँव से आप आगे आ जाइए और ये रोड जाती है निचाली रोड है कांडे के लिए, कांडे के लिए नहीं मुड़ना आपको। देखो ये बगल से ही ना डाइवर्जन है यहाँ पे, तो ये मथन वाली रोड में आ जाओ। मथन वाली रोड में भी ज़्यादा आगे नहीं आना, बस यहाँ से ऊपर चढ़ते ही अपनी बाइक लगाओ साइड में और फिर इस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ और ऊपर करो में डे कैंपिंग, ठीक है। तो फिलहाल हमारा साथी लोग कार्लोस ले चुके हैं, सबसे भारी सामान कार्लोस में है। और कार्लोस में क्या है, पेट्रोमैक्स है और उसके ऊपर ये देखो, ये तो भैया ये साथ आदमी को तो कैंपिंग ले आने लायक नहीं है आदमी। ये पकड़ वो पकड़, मैं ब्लॉक बनाऊँ या सामान पकड़ो, चल ले जा ले भाई। उधर ऐसा ही कार्लोस और अंगूर लगे हुए हैं, तो कार्लोस के पास है सबसे भारी सामान अपना पेट्रोमैक्स, जिसका लगभग वेट 10 kg हुआ। उसको हम इसलिए लाए हैं क्योंकि आजकल लकड़ियाँ वकड़ियाँ जलाने में थोड़ा दिक्कत होती है और नहीं इतने ऊपर पहाड़ में आपको लकड़ी मिलने वाली है, बारिश का मौसम है तो बहुत मुश्किल होती है। तो हमको ऊपर खाना ही बनाना है, लंच आज हमको इधर ही ऊपर करना है। तो फाइनली दोस्तों इतनी मेहनत के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बल्ली बुग्याल में, जहाँ आज हम डे कैंपिंग करने वाले हैं, साथ में लंच भी बनाने वाले हैं। तो मैं आपको एक बार व्यू दे देता हूँ। देखिए ये है, देखिए कितना बेहतरीन बुग्याल है और आगे तक है ना, और इधर ये लोकेशन बिल्कुल फ्लैट लोकेशन है। तो यहाँ पे अपना कैंप लगाएंगे, हमारा सामान चटाई और अपना टेंट इधर, और गाय अभी यहाँ पे चल रही है साथ में, क्योंकि आसपास गांव है तो वो यहाँ पे गाय चराने लाते हैं। तो नीचे मैं आपको इधर का व्यू भी दिखा देता हूँ। देखो इधर खाई है, खाई तो नहीं है मतलब ठीक है, तो इधर पूरा जंगल है, पूरा जंगल उधर गाय चल रही है। और उधर एक अंकल दिख रहे होंगे आपको शायद, दिखा दूँ देखो दिख रहे हो वहाँ पे अंकल, अंकल हमेशा यहीं रहते हैं गायों के साथ। और अब उधर तो गाइस जल्दी जल्दी फिर लगाओ टेंट वेंट जो लगाना है। तो आज की जिम्मेदारी साहिल को और अंकुल को दे रहा हूँ मैं टेंट पिच करने की। तो भाई हो जाएगा तुमसे टेंट पिच? तो फाइनली अपना टेंट उधर पिच हो चुका है, तो इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी तो इन दोनों ने टेंट कर लिया है पिच। और अब लग चुकी है हमको भूख, तो अब करते हैं हम लंच की तैयारी। तो लंच में आज जो हमारा मेन्यू रहेगा वो मेन्यू अपना बन समोसा यानी कि बर्गर समोसा, और उसके बाद मैगी लेके आ रखे हैं, मैगी बनाएंगे। और अब जो आगे की तैयारी कार्रवाई करनी है वो मुझे करनी है, यानी कि क्योंकि मैं यहाँ पे कुकिंग में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट मैं ही हूँ। तो आगे चलो तैयारी मैं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हमारा ये पेट्रोमैक्स आज की जान आज की शान, देखिए इसमें हम अपनी कुकिंग करने वाले हैं। और बाकी हमारा ये सामान, हमारी ये कढ़ाई स्पेशल कैंपिंग के लिए ली गई है, तो इसमें हम बर्गर वर्गर आपको बनाने वाले। बाकी अपना सामान रहता है मैं दिखा दूँ आपको, अपने साथ आप सब कुछ लेके चलिए। ये अपना सामान है, क्योंकि हम कैंपिंग रेगुलर करते हैं तो पूरा सामान अपने साथ लेकर चलते हैं। ये अपने देख सकते हैं आप, हमको जरा कैमरे पास ला, मैगी मसाला, ये नाइफ हो गया, ये कर्ची हो गया, ये चाकू हो गया, उसके अंदर एक स्पून है। तो फिलहाल हमारा जो खाने के लिए खाने का आइटम है वो भी दिखा दूँगा। कि अपने भाई पाव लेके आ रखे हैं, वाह इससे हम बर्गर समोसा बनाएंगे। भाई समोसे किधर है आपके? समोसे मेरे भाई, ठीक है समोसे ही है। तो फिर खाने कार्रवाई करें शुरू खाने बनाने की, पहले मैगी बनाएगा वो बनाएगा, पहले हम समोसा बर्गर समोसे बनाएंगे, ठीक है। तो गाइस ये सीख रहे हैं अपने, देखो समोसा सीख रहा है अपना और ये सीख रहा है अपना, ठीक है। तो भाई मैं दिखा देता हूँ आपको, ये अपना अमूल बटर है। तो अमूल बटर देखो ऐसे लिया नाइफ में, क्योंकि हम आज बटर भर भर के खाएंगे, यहाँ रेसिपी को बनाएंगे इंटरेस्टिंग। और ये अपना बटर गया, देख सकते हैं आप पाव बनेगी क्रिस्पी, मतलब काफ़ी टाइम से मेरा प्लान था इनको अच्छे से खिलाऊँ, ठीक है। देखो ये अपना बन रहा है, ये देख सकते आप। और मुझे लग रहा है गैस बन चुका है, गैस कर देनी चाहिए बंद, ठीक है भाई। इसके अंदर वाइट सिल्वर के अंदर देखिए कितने क्रिस्पी हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट भी हो चुके हैं, बिल्कुल बटरी हो चुके हैं पूरे पाव अपने। दोस्तों ये लग रहा है आपका समोसा पाव, समोसा पाव में पहले ये डालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से भैया जी अपना समोसा काटेंगे,
क्रिस्पी वाला समोसा, ऐसा समोसा आएगा। चटनी बोल रहा हूँ, और उसके बाद अपना थोड़ा सा ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आएगी अपनी चटनी, चटनी लाऊंगी, थोड़ा चटनी डालेंगे हल्की सी, ठीक है गाइस। ये चटनी पड़ी अपनी, और उसके बाद फिर अपना पड़ेगा पाव पड़ेगा अपना जाएगा रेडी। तो कालो भाई आपके लिए फाइनली, आप देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पे बनाए थे अपने पाव और समोसे, वो सेकने के बाद अब हमारा एक लास्ट आइटम बन चुका है मैगी। जैसी मैगी बनाएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा भूख नहीं लगी है। तो फिलहाल तो अपने दोस्त गए हैं उधर, देख सकते हैं आप 1, 2, 3 और यहाँ पे आप मुझे तो देख ही सकते हैं। तो भाई सुकून है यहाँ पे, और कुछ टाइम हम यहाँ पे बिताएंगे, लगभग 3-4 घंटे से हम यहाँ पर ही हैं, और 1-2 घंटे और बिताएंगे, और उसके बाद फिर घर जाएंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि आप यहाँ पे आइए, लेकिन साफ सफाई का जरूर ध्यान रखिए। एक बात और बात मैं आपको बताना भूल गया था, क्योंकि ये पहाड़ जैसे हमको वैसे ही छोड़ के जाने, कुछ भी गंदगी नहीं करनी है, बोतल ये आपके प्लास्टिक वाले रेफर कुछ भी हो। और उसके लिए मैंने स्पेशल अपने साथ बैग जरूर लाई है, कोई भी कैरी बैग लाई है अपने साथ, मैं तो स्पेशल लेके आया था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आप देखो ये वाला कैरी बैग लेके आया था अपने साथ, ठीक है। तो आपको अपने साथ भी लेके आना है, और उसके बाद जितना भी कूड़ा होगा सब वापस लेके जाना है। एक बार फिर से मैं आपको व्यू देता हूँ, तो वो सबसे अच्छा व्यू है यार, दिख रहे हैं आपको, बहुत अच्छा व्यू है। इस वक्त अब बन रही है हमारी मैगी, तो अपने कालोज भाई बनाएंगे हमारी मैगी। कालोज भाई डाल दे, डाल दे सारा बटर डाल दे भाई, और पूरा बटर डाल दिया कालोज भाई ने, और जो कूड़ा हुआ ना भाई उधर डाल देना, वेजिटेबल डाल, बटर नहीं भोजन जल्दी का, और थोड़ी सी वेजिटेबल करेंगे हम सौते इसमें। आय हाय हाय, काफ़ी अच्छी खुशबू आ गई है। लैडल भी, लैडल यूज़ कर सकते सर आप, लैडल है वहाँ पे। वाह खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है कालोज भाई, सही में यार वीडियो के अंदर आ नहीं दूंगी, लेकिन यहाँ तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही, बहुत बढ़िया। कालोज भाई थोड़ा सा सौते कर रहे हैं यहाँ पे कैप्सिकम प्लस टमाटो और प्याज को, और वही पूरे बटर के साथ सौते कर रहे हैं। तो अब मैगी मसाला चाहिए किसी, तो हम एक्स्ट्रा मैगी मसाला ले आए थे, क्योंकि चटपटी मैगी बनानी है ना, ठीक है मैगी फाड़ जाता, और अब जाएगा इसमें मैगी मसाला। ये देखिए दोस्तों अपनी उधर हो रही है कुकिंग, और अपनी बन रही है मैगी, क्योंकि अब हम लग चुकी है भूख, और यही मैगी अगर आप बाहर खाएंगे तो एक मैगी 50 रुपये। तो भाई ये अपना सबसे मस्त सिस्टम है, पेट्रोमैक्स भराओ, काफ़ी चलता भी है, एक बार भरा लो उसको और आराम से 15 दिन आपका चल जाता है। अगर आप डेली कैंपिंग कर रहे हैं तो 15 दिन चलेगा, वरना आप कभी कभार करते तो आपका तो मतलब ये 15 कैंपिंग में आराम से चल जाएगा, यानी कि 15 बाद आप कैंपिंग जाएंगे तो 15 बाद आप पेट्रोमैक्स अपना यूज़ कर सकते हैं। उधर बना रहे हैं कार्लोस, और अगर यही मैगी हम बाहर खाते ना कहीं, तो आपको कम से कम यार 50 रुपये की एक मैगी पड़ती है। तो सबसे बढ़िया है जब भी आप कैंपिंग में आओ, 3-4 दोस्त 4 मैगी के पैकेट लेके आओ, 5-6 जो भी है, और थोड़ा सा अपनी सब्जी वब्जी लेके आओ, सस्ता भी पड़ता है और सेल्फ कुकिंग भी आती है, मज़े के मज़े भी हो जाते हैं। मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखिए भाई साहब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सही में मज़ा ही आ गया सालों भाई, देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है, और खुशबू भी इतनी अच्छी बढ़िया आ रही है ना। और अभी तो इसमें जो हम एक्स्ट्रा मैगी मसाला ले गए थे, काफ़ी बुनाई चल रही है उसकी अच्छे से, और देखना है बाद में इसका टेस्ट करके देखूंगा मैं कि इसका टेस्ट कैसा आता है भाई। खाली दिखने में अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा है, सबको सब लगे हुए हैं। हाँ भाई कैसी बनी है मैगी? बड़ी एकदम मस्त, बिल्कुल ड्राई ना। हेलो कैसी बनी? तो भाई देखिए ये मैगी अपनी बन चुकी है यहाँ पे, और थोड़ा सा मैं इसका
टेस्ट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। बढ़िया बनी है, जो हमने एक्स्ट्रा मैगी मसाला बनाया लिया ना उससे जान आ गई है। तो अब जब भी आप मैगी बाहर जाएं तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा मैगी मसाला ले जाएं, क्योंकि जो मैगी के अंदर पाउच के अंदर वो मसाला आता है ना, मेरे हिसाब से इनफ नहीं होता अगर आप थोड़ा चटपटा खाना पसंद करते हैं तो, है ना। तो फाइनली अब थोड़ा सा अपना लंच करने के बाद, लंच में तो मैगी खाई थी मैंने आपको दिखाया भी था, और अब हम अपना टेंट समेट रहे हैं। तो टेंट समेटने की जिम्मेदारी भी इनकी है, तो देख सकते हैं आप जल्दी अपना टेंट समेट रहे हैं। और देखिए मौसम हो चुका है बिल्कुल सुहाना, लेकिन दोस्तों क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही, कभी और आएंगे इधर अब तो, और उस दिन शायद यहाँ पर नाइट कैंप करेंगे। रोज़ सोचते हैं नाइट कैंप करने के, लेकिन कहीं ना कहीं किसी की मजबूरी होती है, कोई बोलता है मुझे घर जाना है, कोई बोलता है बता के नहीं आया हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो फिलहाल जो दो तीन घंटे हमने यहाँ पे बिताए वो काफ़ी अच्छे थे, और अब सीधा निकलेंगे, और अब कुछ है भी नहीं दिखाने को, सीधा घर ही जाना है। हाँ बीच में अगर कुछ हाथी वाथी दिख गए तो दिखा देंगे आपको, क्योंकि जिस रास्ते हम जा रहे हैं वो हाथी करेंगे। होपफुली आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और आपसे मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जो आज का ब्लॉग था, वीडियो था, यार थोड़ा आपको दिक्कत होगी क्योंकि आज मैं गोपुर अपने घर में ही भूल गया था, तो सारा ब्लॉग हुआ है मोबाइल से शूट। तो आपको मिलते हैं बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। बाय।